जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है, तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है, इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। या बैलेट पेपर फिर से बड़ा घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और तमाम पार्टियां बैलेट पेपर के समर्थन में देखी जा रही हैं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 5 राज्यों में जो नतीजे सामने आए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कई सीटों पर दांव आजमाते हुए अपनी सरकार बना ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। ऐसे में देखा जाए तो 2 राज्यों की चर्चा की जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता कायम की, तो वहीं दूसरी तरफ मिजोरम में ZPM ने अपनी सरकार बना ली, जो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के समर्थन में देखे जाते थे, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा पर चलते थे। लेकिन इससे उलट अगर इन 3 राज्यों के रिजल्ट पर चर्चा की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान तो खड़े हो रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों में अपनी सरकार बना सकती है तो इन 2 राज्यों में आखिरकार सरकार क्यों नहीं बना पा रही है? आखिरकार क्या कोई वाकई गड़बड़ घोटाला हुआ है? ये बात का खुलासा कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और जिन्होंने MP में चुनाव लड़ा, राजस्थान में चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं ये भी समाजवादी पार्टी इन राज्यों में हारती हुई नजर आई और उसके बाद उन्होंने बैलेट पेपर का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। हम लोग निराश नहीं है और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूँ, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है, इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे, एक नया दल, नया संगठन। अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने सीधे साफ शब्दों में यही कहा है कि जब अमेरिका जैसे देश में 1 महीने तक काउंटिंग की जा सकती है, 1 महीने में यहाँ पर चुनाव होते हैं और बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हुए नजर आते हैं, तो अपने लोकतंत्र में क्यों नहीं, अपने लोकतंत्र की बात की जाती है तो उस लोकतंत्र को जिंदा करने वाले भारत में क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ये कहा कि ये जो नतीजे आए हैं ये गले से हजम नहीं हो रहे, जैसे मायावती ने कहा था, और वही बात अब अखिलेश यादव यहां पर कहते हुए नजर आए कि जो परिणाम आए हैं ये परिणाम से हम चिंतित तो हैं लेकिन इस परिणाम से हम ऐसे नहीं है कि हार कर बैठ जाएंगे, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इन परिणाम के खिलाफ उनका मुद्दा होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए। हर बार उन्होंने ये मुद्दा उठाया और इस बार भी ये मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, क्या कुछ लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।